नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज किया गया एक RFI के बारे में, जिसको 99 ने इशू किया है। ये RFI आ रहा है जो सेकंड लिस्ट थी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेके। तो उस सेकंड लिस्ट के बाद RFI को निकाला गया इंडियन आर्मी के द्वारा। यहाँ पे डिमांड की गई है 1770 के नंबर में जो फ्यूचरिस्टिक टैंक है वो बनाने की। नाम दिया गया है यहाँ पे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV। जो इंडक्शन टाइमलाइन है वो 2030 का है। और ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि जो इंडक्शन होंगे 1750 प्लस टैंक के वो फेज्ड मैनर में किए जाएंगे। फेज्ड मैनर इसलिए मेंशन किया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हर 3 साल बाद चेंज होती रहती है, उसमें जो कुछ इंप्रूवमेंट है वो आते रहते हैं, उसको देखते हुए जो इंडक्शन है वो फेज्ड मैनर में किया जाएगा 1750 प्लस टैंक का। तो बेसिकली आपके फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन के टैंक होने जा रहे हैं। तो अभी ये एक बस RFI है जिसमें आर्मी देखेगी कि यहाँ पे दिए गए जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितनी कंपनियां पूरी कर पाती हैं, और उसी के बेसिस पे ही जो JSQR है वो लिखा जाएगा। मतलब जो रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट होगी वो लिखी जाएगी। RFI में अगर की एलिमेंट की बात करोगे तो स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो फॉरेन OEM का पार्टिसिपेशन है वो देखा जा रहा है, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में ये जो टैंक्स हैं वो बनाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह की डिमांड रखी गई है टॉट को लेके, उससे ये लगता नहीं कि कोई भी फॉरेन OEM उसको लेके सहज होगा। अगेन यहाँ पे RFI दो पार्ट में दिया गया है, जैसे कि यूजुअल तरीके में निकाला जाता है। पहले पार्ट में आपके टेक्निकल डिटेल है, दूसरे पार्ट में किस तरह से अप्लाई करना है वो है। पहले पार्ट की अगर बात करते हो तो जो टेक्नोलॉजी की डिमांड की गई है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए और अगले 50 से 60 साल तक ऑपरेट होनी चाहिए जब से इंडक्ट किया जाएगा। और भारत की जो भी ट्रेन है उन सभी में ये ऑपरेट होना चाहिए, चाहे वो लद्दाख हो या फिर राजस्थान जैसे एरिया हो। कॉस्ट का यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है वो मांगा गया है। बेसिक डिजाइन की बात करते हो तो यहाँ पर जो भी फॉरेन OEM है उनसे ये डिमांड की गई है कि उनका जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल होने चाहिए किसी न किसी आर्मी में, और उस प्रोडक्ट को लेकर इतनी छूट होनी चाहिए कि उस पर वेरियस तरह के जो डोजर्स हैं, क्रेन्स हैं और अदर व्हीकल हैं वो बनाए जा सकें उसी डिजाइन पे। तो ये चीज़ भी डिमांड की गई है। जबकि भारत की जो कुछ अपनी टेक्नोलॉजी है वो भी उन प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट होनी चाहिए, तो ये भी डिमांड रखी गई है। जहाँ तक बात है टॉट की, तो टॉट में ये डिमांड किया गया है कि जो भी फॉरेन OEM यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अपना डिजाइन देना पड़ेगा। मतलब डिजाइन को लेकर जो टॉट है वो आर्मी को देना पड़ेगा, और कहीं की जो इंडिजिनस कॉन्टेंट की मात्रा है वहाँ पर उन्हें उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर रखी गई है। जबकि शुरू में ही जो भी आपका फॉरेन OEM है उसको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कब तक डिलीवर कर देंगे ये सभी के सभी टैंक, एक जो टाइमलाइन है वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रत्येक डिलीवर टैंक के लिए जो एक वारंटी है 24 मंथ की वो डिमांड की गई है। जब भी आप टैंक डिलीवर करोगे उससे 24 मंथ तक जो वारंटी होगी वो OEM की तरफ से फ्री होगी। अगर डिटेल की बात करते हो टैंक के वेट कैटेगरी की, तो मीडियम वेट कैटेगरी में रखा गया है, जो कि आमतौर पर फॉल करता है 40 से 50 टन के बीच में, तो ये आपकी मीडियम वेट कैटेगरी हो जाएगी। हालांकि यहाँ जो स्पेसिफिक वेट है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप ये लेके चल सकते हो कि 40 टू 50 टन के बीच में ये फॉल करने वाला है। अब यहाँ पे हम टेक्निकल डिटेल की बात कर लेते हैं। तो टैंक को मांगा गया है मॉड्यूलर रूप में, मतलब जो डायमेंशन होगी वो मॉड्यूलर होंगे जिससे कि उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके शिप, रेल और रोड से। तो इसलिए यहाँ पे जो डायमेंशन है वो मॉड्यूलर मांगा गया है। क्रू की बात करते हो तो 2 से 3 क्रू मेंबर की जो जगह है वो आपका टैंक कैरी करेगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ क्रू बैठेंगे वो चीज पॉड बेस्ड होनी चाहिए, मतलब एक पॉड के रूप में आप उसको डिटैच कर सको, ये चीज डिमांड यहाँ पे की गई है। टेम्परेचर को लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेरियस तरह के टेम्परेचर में ऑपरेट होना चाहिए। बात करते हो फायर पावर की, तो हर तरह के कैलिबर, मॉड्यूलर वेपन और इफेक्टिव काउंटर मेजर की भी यहाँ पे डिमांड की गई है। स्पेशली यहाँ पे ये डिमांड रखी गई है कि जो आपके टैंक का फर्स्ट राउंड होगा वो काफी एक्यूरेट होना चाहिए, और जो मैक्सिमम क्षति है वो उस राउंड में पहुंचाना चाहिए, तो ये चीज भी यहाँ पे रखी गई है। पावर टू वेट रेशियो की बात करोगे तो यहाँ पे काफी हैंडसम पावर टू वेट रेशियो मांगा गया है, जो कि 30:1 का है। जबकि यहाँ पे जब का टैंक है वो स्मार्ट म्यूनिशन को भी फायर करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि आपके स्मार्ट शेल हो गए या फिर स्मार्ट ATGM हो गए। जिस तरह के इमर्जिंग थ्रेट होंगे आपके फ्यूचर में उनको देखते हुए ये भी डिमांड की गई है कि आपका जो टैंक होगा वो एडवर्सरी के टैंक के साथ साथ जो UAV है, हेलीकॉप्टर हैं, उनको भी ये न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जहाँ तक बात करते हो फायर कंट्रोल सिस्टम की, तो डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम मांगा गया है, जहाँ पर जो आपका FCS है एक बार में मल्टीपल टारगेट को आइडेंटिफाई और लॉक करने में सक्षम होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे मांगी गई है। कहीं के जो हंटर किलर कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे रहेगी, जबकि जो लेजर रेंज फाइंडर है वो भी यहाँ पे रहने वाले हैं। जहाँ तक बात है रेट ऑफ फायर की, तो हाई रेट ऑफ फायर मांगा गया है, जो कि रीजनेबल भी है। वहीं पे वेरियस तरह के UAV को जैम करने के लिए जो जैमर्स है वो मांगे गए हैं। टैंक के ऊपर जो रेडार है वो मांगा गया है, जबकि जो आपका टैंक है उसके पास एंटी थर्मल और लेजर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ये चीज यहाँ पर रखी गई है। टैंक से डिमांड की गई है कि रात में भी टारगेट को लॉक करना चाहिए, जो कि ऑब्वियस है, ये एक फ्यूचरिस्टिक टैंक है तो ये चीज होनी चाहिए। जहाँ तक बात है प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे हर तरह की जो प्रोटेक्शन है स्नैक ज्यादातर लेवल की वो मांगी गई है, जिसमें जो प्रोटेक्शन का वेट होगा वो मिनिमल होना चाहिए, तभी वो पावर टू वेट रेशियो को मेंटेन कर पाएगा। अब यहाँ पे जो आर्मर के मटेरियल है वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो सिरामिक हो, लैमिनेट्स हो, EM आर्मर हो, तो इस तरह के जो आर्मर है वो फ्यूचरिस्टिक टैंक में रहेंगे। तो टेक्निकल यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके टैंक में सॉफ्ट किल मेथड के साथ साथ जो हार्ड किल है उसकी भी डिमांड की गई है, जिसमें जो आपके APS हैं वो भी आ जाते हैं, जबकि जो आपके ERA हैं, CBRN है, IFDSS हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। जो बिन कंपार्टमेंट है वो कंटेनराइज्ड ही रहेगा यहाँ पे भी।
जबकि टैंक का जो अपना सिग्नेचर है, चाहे वो आई एस सिग्नेचर हो, ऑडियो सिग्नेचर हो या फिर ईएम सिग्नेचर हो, वो काफी कम होना चाहिए। मतलब जो आपका टैंक है वो स्टेल्दी होना चाहिए हर प्रकार से। बात करोगे मोबिलिटी की तो यहाँ पर जो पावर टू वेट रेशियो है वो 30:1 का मांगा गया है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन आप जैसे इंट्रोड्यूस कर देते हो वेरियस तरह के रडार, जैमर, लेजर सिस्टम, तब इस तरह का जो पावर टू वेट रेशियो है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। इंजन टाइप की यहाँ पे बात करते हो तो एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन की डिमांड यहाँ पे की गई है। मतलब इंजन की जो ड्राइव है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे रखी गई है। जबकि जो आपका टैंक है वो रिवर्स गियर में भी हाईली अजाइल होना चाहिए, उसकी जो स्पीड है वो हायर होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी की बात करते हो, ISR टेक्नोलॉजी की, यहाँ पे डिमांड की गई है कि आपके टैंक के अंदर जो सी थ्रू आर्मर है वो सिस्टम होना चाहिए। मतलब टैंक के अंदर बैठे बैठे आप बाहर देख पाओ 360 डिग्री, तो वो चीज यहाँ पे रखी गई है। हम ऑलरेडी अवेयर हैं कि इस तरह का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट कर रही है टॉम्बो इमेजिंग, जो भी आपके BMP-260 है वहाँ पे इस तरह का जो सिस्टम है इंटीग्रेट हो रहा है, वैसे ही सेंसर की यहाँ पे डिमांड की गई है। जबकि टैंक के अंदर जो एक IFF सिस्टम है वो भी होना चाहिए, मतलब अपने एनमी को देख के उन्हें पहचान सके। आपका टैंक सक्षम होना चाहिए UAV को फायर करने में और उसको ऑपरेट करने में, तो ये चीज यहाँ पर डिमांड में रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडक्ट करने में भी सफल होना चाहिए, जबकि जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो हायर होना चाहिए। टैंक आपका जो BMS है उससे इंटीग्रेट होना चाहिए, जिससे कि वो एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को कंडक्ट कर सके कई सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के, चाहे वो एयर हो या फिर शिप हो। टैंक के अंदर ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम भी होना चाहिए, जिससे कि वो डैमेज को असेस करके आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके कि किस तरह से टैंक को अगेन आपको वर्केबल बनाना है, तो वो सेंसर की भी यहाँ पे डिमांड की गई है। नेविगेशन यहाँ पे हाइब्रिड मांगा गया है, जबकि जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है वो मांगी गई है। प्री हीटर मांगा गया है, यहाँ पे एयर कंडीशनर इंक्लूड है। जबकि जो टैंक का चैसिस है वो मल्टीपर्पज होना चाहिए, मतलब टैंक के बेसिक डिजाइन से और भी जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जा सके। टैंक के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो सेंसर है उसकी डिमांड की गई है, जबकि इलेक्ट्रॉन थर्मल गन, लिक्विड प्रोपेलेंट गन और कुछ स्पेसिफिक टारगेटिंग सिस्टम का डिमांड यहाँ पे किया गया है। तो ये चीज यहाँ पे ऑप्शनल है कि अगर आपके वेंडर में क्षमता है वो इलेक्ट्रॉन गन और DEW को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर देते हो तो यहाँ पर जो इंजन की पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो काफी हायर होगी, उसके साथ ही आपको मेंटेन करना है 30:1 का जो पावर टू वेट रेशियो है वो, तो काफी चैलेंजिंग होगा एक मीडियम क्लास टैंक के लिए। हालांकि इन सभी चीजों को लेकर जो स्टडीज हैं DRDO ने वो कंडक्ट की हुई हैं अपने NGVT में, जहाँ पे कई तरह के जो मॉडल हैं NGVT के वो DRDO ने बनाए थे, और वहाँ पर यही विचार विमर्श किया था कि टैंक में किस तरह के जो गन है वो लाए जा सकते हैं। तो DRDO ये चीज अचीव कर सकती है अपने NGVT से ही। इनफैक्ट यहाँ पे दिए गए जो मैक्सिमम चीजें हैं वो DRDO NGVT में डाल सकती है, जिससे आपको यहाँ पे एडवांटेज ये रहेगा कि डिजाइन आपका अपना है, आप जिस तरह के मॉडिफिकेशन अपग्रेड करना चाहोगे वो आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है फॉरन OEM की, तो जैसा कंट्रोल आर्मी मांग रही है उनके डिजाइन के ऊपर और उससे डराइव होने वाले वेरियस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, मुझे लगता है उसको लेकर जो इश्यूज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और जो कंट्रोल है वो आपको उस तरह का नहीं मिलेगा। बहरहाल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यही है कि एक फ्यूचरिस्टिक टैंक को प्रोक्योर करने के लिए बनाने के लिए ये जो RFI है वो निकाला गया है, जहाँ पे जो इंडक्शन टाइमलाइन है वो 2030 का है। मतलब 2030 के बाद 1770 के नंबर जो टैंक है वो प्रोक्योर किए जाने हैं, जो कि फ्यूचर टैंक होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।